स्वागत है बाप बेटा ब्लॉग्स में। डुग्गू करने वाला है आज अपने कार का एयर प्यूरिफायर का अनबॉक्सिंग और दिखाएगा कि कैसी कैसा है और कैसा इसके बॉडी है। और अभी तक खोला नहीं है हम लोगों ने, अभी खोलूंगा और डुग्गू दिखाएगा आपको रीफ एयर का AX30 Max, जो AX30 Max के नाम से आता है अमेजोन में, इजी अवेलेबल है। अभी अच्छी खासी डिस्काउंट भी है, MRP इसमें 4000 समथिंग दिखता है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर है 4000 के समथिंग में है। तो मुझे ये पड़ा अभी ऑनलाइन 2350 रुपये में और डुगू को बोलते हैं करेगा इसका अनबॉक्सिंग। तो डुगू स्टार्ट करो अनबॉक्सिंग, खोल के दिखाओ भाई। तो सबसे पहले इसके ऊपर में है केबल, एक अरोमा पैड, अरोमा बट, और ये शायद ये कुछ है इसमें, इसके ऊपर भी आप फ्रेगनेंस डालकर यूज कर सकते हो। तो ये तीन चीजें निकली हैं अभी इससे। और ये है कुछ मैनुअल गाइड AX30 Max कार एयर प्यूरिफायर। और ये मंगाना क्यों जरूरी था मेरे लिए और मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो खोलो, पहले तो अनबॉक्सिंग कर लेते, दिखाते आपको अनबॉक्सिंग करके और थोड़ा सा चलाकर भी दिखाएंगे। काफी अच्छा फिट एंड फिनिश है, बॉडी काफी अच्छी है इसकी, करना बॉडी काफी अच्छी है, अच्छा फाइबर यूज करा इन्होंने। और एक बार इसके अंदर देखते हैं क्या, खोलो तो डुगो। हाँ ये है इसके अंदर, इसका जो फिल्टर होता है, ये फिल्टर है इसके अंदर, और तो ऐसा कुछ खास नहीं है। नहीं और कुछ खास नहीं है, बस ये ऊपर से मशीन है। एक बार इसे चलाकर आप लोगों को दिखाते हैं कि, और इसमें आपको अगर परफ्यूम वगैरह चाहिए, अगर आपको एक अच्छा सा सुगंध आता रहे गाड़ी में, तो ये अरोमा बट भी देते हैं इसके साथ में, और ये एक पैड भी मिलता है साथ में, आप यूज कर सकते हो। तो एक बार आप लोगों को इसको चलाकर दिखाते हैं, अनबॉक्सिंग कर लिया। अब इसका जो डेडिकेटेड फुल वीडियो है ना, इसको एक वीक चलाने के बाद मैं बताऊंगा कि ये कितना अच्छा है और इसे आप लोग को लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए अपने कारों पर। तो एक बार इसे चलाकर आप लोगों को दिखा देते हैं। मैंने इसको लगा लिया है, प्लग कर लिया 12 वोल्ट के सॉकेट में, और एक ऐसा पिन है जो आप इसमें प्लग कर सकते हो। और इसमें 3 मोड्स दिए हुए हैं इस एयर प्यूरिफायर में, ऐसा कोई डिस्प्ले नहीं दिया है जिसमें आपको जो एयर का इंडेक्स जो हो वो बता सके। तो आप इसमें मोड है वो मोड आप चेंज कर सकते हो, और काफी नॉइस लेस है, मतलब एकदम आवाज नहीं है इसके अंदर। देखो ये तीसरे मोड पे है, मैन वाले मोड पे, और ये है फ्लाइट मोड पे, जो थोड़ा स्पीड है लेकिन नॉइस एकदम नहीं है इसके अंदर। और एक अच्छा सा अरोमा भी निकल रहा है, खुशबू, जो मैंने ये इसमें एक लेमन ब्लोजम करके एक अरोमा बड डाला हुआ था वो मैंने यूज किया। और इसके नीचे अगर हाथ लगाऊं, इसका जो नीचे जो जाली है वो एयर को सक कर रहा है और ऊपर से हवा दे रहा है, पता चल रहा है। और काफी नॉइसलेस है, AX30 Max अच्छा है या नहीं, या आप अपने कारों में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मैं ना इसका फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एक वीक यूज करने के बाद। तो आज तक के लिए इतना ही, और अगर ये रिफेयर का AX30 Max अगर आप लोग को यूज करना है तो पहले एक बार मुझे ये यूज कर लेने दो, 30 दिन के बाद मैं बताऊंगा कि इसे यूज करना चाहिए या नहीं, ये कितना वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, क्या डुगो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना भाई, क्योंकि इसका रिव्यू आप लोग को जल्द से जल्द मिल सके और अपनी अपने कारों में भी आप लगा सके। देखो आजकल की जो कार है उसमें एयर प्यूरिफायर इनबिल्ड आ रही है, लेकिन कुछ कारें ऐसी है जिसमें अभी भी ये इनबिल्ड नहीं है, और क्यों जरूरी है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।